गिरिडीह के डुमरी के NH2 पर ओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने निमिया घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी के पास मेन रोड को जाम कर दिया है। जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची, लेकिन प्रदर्शनकारियों के दौरान पुलिस की एक भी नहीं चल रही है, जिसके कारण पुलिस बेबस दिख रही है। हालांकि कुछ देर बाद सड़क निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के पदाधिकारी स्थल पर जरूर आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के कारण ग्रामीण रोड पर डटे हुए थे, जिससे दोनों तरफ आवाजाही में यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बताया जा रहा है कि हाईवे बन जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों को सड़क पार करने के दौरान कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इसी से अधिकारियों ने लोगों से NH2 के पास अंडरपुल बनाने की बात कही थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मांग को पूरा नहीं करने के कारण ग्रामीणों ने रंगामाटी के पास NH2 को जाम कर दिया। किस मकसद को लेकर के आप लोग जुलूस निकाले हैं और क्या मांग है? देखिए, आए दिन NH में जब से काम लगा है, NH6 लाइन चौड़ीकरण का काम जब से हो रहा है, तब से यहाँ दर्जनों लोगों की मृत्यु हो गई है। लोग घर से निकलते हैं जिस काम के लिए, वो काम पूरा नहीं हो पाता है, वो लोग मौत के गाल में समा जाते हैं। और घनी आबादी है, और उसके बाद यहाँ से कोई सबवे नहीं दिया गया है, और आज ग्रामीणों के द्वारा उसी सबवे के मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा 27/1/2020 को भी आवेदन अंचल अधिकारी को दिया गया था, लेकिन किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके विरोध में आज 1-2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है और आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या रोड वगैरह जाम करें? जी, रोड जाम का ही कार्यक्रम है, सांकेतिक कार्यक्रम है, पहले से प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है और आज उसी नियमित कार्यक्रम होने जा रहा है। NH2 को जाम किया था कुछ मांग को लेकर के, क्या हुआ है सर, इसमें क्या आश्वासन दिया? यहाँ रंगामाटी में NH 359 है, यहाँ पर पब्लिक का डिमांड है कि PUP का निर्माण किया जाए। रोड के इस पार से उस पार जाने में बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, उसके लिए इन लोगों का डिमांड है। तो PD साहब द्वारा हमको भेजा गया था और PD साहब कल स्वयं आएंगे 10:30 बजे, यहाँ मीटिंग करेंगे SDM मैडम के साथ और पब्लिक भी रहेगी, उन लोगों के साथ बैठक करके जो फैसला होगा आगे कार्रवाई होगी। हालांकि अधिकारियों द्वारा मंगलवार को डुमरी आकर ग्रामीणों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जाम को हटाया। गिरिडीह से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।